नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अपने आशिक मिजाज के लिए बदनाम वॉन पर इस बार अपने ही बेस्ट फ्रेंड की एक्स वाइफ पर डोरे डालने का आरोप लगा है। शेन वॉन और विवादों का चोली दामन जैसा रिश्ता रहा है। इस बार उन पर बेस्ट फ्रेंड की एक्स वाइफ से नजदीकियां बढ़ाने का आरोप लगा है। उस बेस्ट फ्रेंड का नाम है माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में आईसीसी वनडे विश्व कप जीता था। माइकल क्लार्क ने कुछ दिन पहले ही काइली बोल्डी से तलाक लिया है। क्लार्क ने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल, एक्ट्रेस और टीवी प्रेजेंटेटर से 2012 में शादी की थी। दोनों की एक 4 साल की बेटी भी है। खबरें हैं कि माइकल क्लार्क के अपनी सेक्रेटरी से संबंध थे, यही वजह माइकल और काइली के बीच तलाक का कारण बनी। काइली ने माइकल क्लार्क से अलग होने के बाद एक बयान जारी किया था। उस बयान में उन्होंने कहा था, कुछ समय तक अलग रहने के बाद हमने एक जोड़े के रूप में अलग होने का कठिन फैसला लिया। एक दिन के लिए सबसे बड़े सम्मान के साथ हम आपसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी टीम के सह पालन के लिए ये हमारे लिए सबसे अच्छा फैसला है। बता दें, शेन वॉन के लड़कियों के साथ अफेयर के चर्चे होना आम बात है। वॉन ने 1 सितंबर 1995 को सिमोन कैलहन के साथ शादी की थी। उनकी शादी 10 साल चली। वॉन के लड़कियों के साथ संबंधों से निराश होकर सिमोन ने 2005 में उनसे अलग हो गई। उनके 3 बच्चे हैं। बता दें, वॉन और सिमोन फिर से साथ आए, लेकिन साल 2010 में फिर से ये रिश्ता टूट गया। ये समय वॉन और एलिजाबेथ हार्ले के बीच रिश्ता उनके अलग होने का कारण बना। वॉन और हार्ले 3 साल तक साथ रहने के बाद अलग हो गए। साल 2014 में वॉन ने लॉन्जरी मॉडल को डेट करना शुरू किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई के इस दिग्गज लेग स्पिनर ने कुछ और महिलाओं को भी डेट किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।